हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th आपका 30% जो सिलेबस कम किया गया है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस चैप्टर को पढ़ना है और किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर हिंदी के बारे में बात करेंगे, विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, हर एक मतलब कि आपके विषय के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट में आपको बताएंगे कि ये आप खुद डाउनलोड करके भी जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि विषय जो आपका है हिंदी का है, हाई स्कूल। देखिए, ऊपर लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपन विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% यानी कि 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। समझ सकते हैं आप, देख सकते हैं जो आपका क्लास 10th में गद्य से आता था यानी कि गद्यांश जो लिखने के लिए आता था, यहाँ पर लिखा है गद्य हेतु क्या लिखूं, ये पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का है। और सेकंड नीचे लिखा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और नीचे पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती जी का, इसे आपको नहीं पढ़ना है, इसको सिलेबस से आउट कर दिया गया है। और जबकि काव्य हेतु, काव्य से जो आपका आता है यानी कि सुमित्रा नंदन पंत और चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ लेंगे कि कितना हमारा आउट कर दिया गया है यानी कि हर एक सब्जेक्ट से। तो आप आसानी से इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि मैं आपको विज्ञान में लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कौन से चैप्टर से कौन टॉपिक को हटा दिया गया है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है और आसानी से जो पाठ से मतलब कि पेपर में आएगा, पेपर बनेगा, उस पर ज़्यादा फोकस करना है और उसी को तैयार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्लास 10th विज्ञान है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है धातु एवं अधातु यानी कि आपका पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, उसमें से कोई भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका धातु एवं अधातु जो चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें से धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, ये टॉपिक को हटाया गया है। और आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, इस टॉपिक को यानी कि इस चैप्टर से दो टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, इसे आपको तैयार नहीं करना है क्योंकि तो सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सेकंड नंबर चैप्टर तत्वों का अवर्त वर्गीकरण यानी कि केमिस्ट्री से इस चैप्टर का जो टॉपिक दिख रहा है, इसमें तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, इसका इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, नीचे लिखा है जो आपका बायोलॉजी है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक को हटाया गया है, आप देख सकते हैं पौधों में दीक्षित गति, सेकंड है पादप हार्मोन्स का परिचय और थर्ड है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, फोर्थ नंबर है तंत्रिका एवं ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियाएं। ठीक है, फाइव नंबर है परिवर्तित क्रिया और यहाँ पर देखिए सिक्स नंबर रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन, यानी कि ये आपका बायोलॉजी से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, इसे आपको तैयार नहीं करना है। ठीक है, आगे लिखा है प्राकृतिक संसाधन, आप देख सकते हैं ऊर्जा के स्रोत यानी कि बायोगैस, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, इससे आपको तैयार नहीं करना है। और नेक्स्ट जो चैप्टर इसमें हमारा पर्यावरण यानी कि आप देख सकते हैं परितंत्र ओजोन परत का अपयक्षण, आप इसके मतलब कि इसको तैयार नहीं करना है। आगे लिखा है अपवर्तन यानी कि लाइट चैप्टर से अवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इस टॉपिक को हटा दिया गया, इसको आपने नहीं तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत का प्रभाव, आप इसको आसानी से डाउनलोड करके और सारे सब्जेक्ट को अपने लैंग्वेज में इसको पढ़ करके और देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर को हटा दिया गया, इसको सिंपल सा कैसे डाउनलोड करना है ये भी सीख लीजिए। जैसे कि आपको आना है यहाँ पे upmsp.edu.com पर, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है upmsp, जैसे ही सर्च करेंगे तो ये खुल जाएगा और ओपन होने के बाद इसको नीचे लेकर चलना है। ठीक है ना, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सत्र लिखा है 2020-21 हेतु कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के 30% मतलब कि संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम। यहाँ पर अगर क्लास 10th के स्टूडेंट है तो क्लास 10th वाले डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास 12th वाले हैं तो क्लास 12th पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लास 10th वालों को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगा और ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट जो है आप यहाँ से पढ़ लेंगे और जो ऊपर दिया है ना वो आपका सिलेबस से टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं एक एक सब्जेक्ट का बता दूंगा और आपको कैसे हिंदी की तैयारी करना है।
वो बेस्ट तैयारी मैं बताऊंगा। अगर आप फ्री में पीडीएफ चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हूँ, वहाँ पे क्लास 10th वाले जाइए और उस टेलीग्राम मतलब ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जाइए और उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर फ्री में सब कुछ मिलेगा। ठीक है।